प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मनाती है। आत्मदर्शन टीवी के सभी श्रोतागणों को जय सु। और आज हम नबी दानियल के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13-14 पहले पाठ में और दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5-8 और संत योहन के सुसमाचार अध्याय 18:33-37 तक मनन चिंतन करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, राजा शब्द सुनते ही हमें ऐसी कल्पना हमारे मन में आती है, बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ शक्तिशाली महान सब कुछ से विभूषित व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति विराजमान बड़े सिंहासन पर, इस तरह का तस्वीर हमारे मन में आता है। लेकिन ख्रिस्त राजा, जिसको हम हमारा राजा मानते हैं, उनकी तस्वीर, उनकी राह कुछ और ही है। नबी दानियल के ग्रंथ अध्याय 7:13-14 में लिखा है, तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा, उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह दृश्य नबी दानियल लिखते हैं। यह पुराने व्यवस्थान में ख्रिस्त जो राजा है, उनकी भविष्यवाणी की गई है। यही भविष्यवाणी नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 9 में पद संख्या 6 में लिखी गई है। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्व मंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य। स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम को संदेश देते समय भी यही बात कही थी। संत लूकस सुसमाचार अध्याय 1:32 में, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, न्याय, शांति और धार्मिकता का राजा, ये है ख्रिस्त राजा। न्याय की राह पर चलने वाला, शांति की राह बताने वाला और धार्मिकता के खोज में जो लगे हुए, उनको राह पर लाने वाला और उन्हें सही राह दिखाने वाला, ये है ख्रिस्त राजा। न कि जिन राजाओं की, जिन नेताओं की, जिन प्रशासकों की, जिन तानाशाहों की हम तस्वीर लिए हमारे मन में है, उस तरह की ताकत वाला राजा नहीं, लेकिन न्याय, शांति और धार्मिकता से राज्य करने वाला राजा, ख्रिस्त राजा, यह है हमारे प्रभु ख्रिस्त राजा की राह। आइए हम इसी बात पर आज के दिन मनन चिंतन करें।